नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुझे अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है। जब जब देवताओं पर संकट आता है देवता लोग भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं और उनसे अपनी रक्षा का आह्वान करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी आराधना करते हैं तब ऐसा करने से आपको आपके जीवन में वो सब चीज प्राप्त हो सकती है जिसकी आप लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों हिंदू धर्म में इस बात को कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी राशि बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी राशि अनुसार कार्य करता है तब ऐसा करने से उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की खुशियां प्राप्त होती है। दोस्तों अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार कन्या राशि के जातकों को राशि अनुसार महादेव के किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों अगर आप लोग कन्या राशि के जातक हैं और इस बात को चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे तब इसके लिए आप लोगों को भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम नमो शिवाय कालम ओम नमः, ओम नमो शिवाय कालम ओम नमः। दोस्तों आप लोगों को इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग इस मंत्र का जाप नियमित तौर पर करते हैं तब ऐसा करने से आप लोग खुद के अंदर बहुत से बदलावों को महसूस करेंगे। आपका मन पहले से अधिक शांत होने लगेगा। अब आपके सामने चीजें अलग तरह से नजर आने लगेंगी। आपको यह समझ आने लगेगा कि आपको अपने जीवन में कौन से कार्यों को करना है और कौन से कार्यों को नहीं करना। दोस्तों जब आप लोग नियमित होकर के इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे तब निश्चित तौर पर आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे।